आज खाएंगे हम मोमो समोसे वर्गर। उस दुकान के बाहर ना उस बंदे को देख लिया करो आप जो वहाँ पे बना रहा है, वो चाहे बाप को बना के खराब चीजें खा रहा हो लेकिन वो खुद नहीं खाता होगा उसको, तो सप्लीमेंट का नाम लेके तो आप खराब कर दोगे कि सप्लीमेंट खा लिया उसका लीवर फलाना ढिमकाना, चाहे वो पहले से डैमेज हो रहा है उसका, वो चीजें खा के तंबाकू वगैरह खा के पहले लीवर डैमेज हो रहा हो, बात कर लेते कि सप्लीमेंट खा रहा तब डैमेज हो गए। राम राम जी, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी हमें विपिन देसी फिटनेस की मेन ब्रांच में बूम बूम आज खाएंगे हम मोमो समोसे वगैरह। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो हमने पहले डाली थी उस वीडियो से आप सभी को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा होगा। तो यहाँ पे जो हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं और मयंक अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चीजें हमने फेस की है वो आने वाला यूथ ना फेस करे। ठीक है जी, तो आज हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर भी काफी भाई अपने अपने डाइट प्लान शेयर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि चीजें एक सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। ठीक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक सही डायरेक्शन में चीजों को लेके जाया जाए और जो हमारी देसी प्रथा है, जो हमारा एक देसी कल्चर है, उसको दोबारा से यहाँ पे लेके आया जाए। तो उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो तकरीबन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें रखी हुई है। पहली चीज है जिसके अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है फास्ट फूड, जिसके अंदर हमारे चाहे वो ब्रेड है, चाहे बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है। दूसरी साइड हमारा जो हेल्थी फूड है, जिससे हमारी बॉडी हेल्थी रहती है और जिसको हम खाने से ऐसी बॉडी बना सकते हैं, और अभी बनाई भी हमने। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एग्स की जो ट्रे है उसको हमने कटिंग की है, और कटिंग करके इसको मैंक ने काफ़ी अच्छा बनाया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास ये जो है, आप लोग काफ़ी सिल्वर वगैरह के बर्तन में भिगोते होंगे, आप माटी के बर्तन में भिगोएं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर नट्स वगैरह सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बनानाज है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा हेल्थी फूड है इधर। हाँ जी, इसका वो जैसे बता रहे हो ना कि सिल्वर और इसमें मिट्टी के बर्तन में, तो देखो दिन रात का फर्क है। फायदा हमारा ये है अगर हम मिट्टी के बर्तन में करेंगे, नेचुरल चीजें हमारी। ठीक है, मिट्टी किससे, ये जो घड़ा किससे बना है, मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी से जो चीजें जुड़ी रहती है उसका, चाहे आप कोई सब्जी ले लो या फिर कोई आप अपना गेहूं ले लो, जो भी हमारे वीट्स होते हैं उनको अगर आप मिट्टी से उपजाऊ होते हैं ना वो। ठीक है, अब बर्तन तो मिट्टी से उपजाऊ होते नहीं, समझ रहे हो बात को। अब ये मिट्टी से बना हमारा, इसके अंदर हम करते हैं तो जितने भी हमारे जो फाइबर्स हैं जो वो ग्रो जल्दी करेंगे, जो सिल्वर के जो बर्तन है उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये माटी का तो इसके अंदर जो भी इसके फाइबर्स हैं वो जल्दी ग्रो करेंगे, जो भी हम इस चीज़ के इसके अंदर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चने हैं, चाहे मूंगफली है, बादाम है, जो भी चीज़ें। हाँ, मतलब एक मिथ रहे चीज़ों को लेकर, मिट्टी का बना हुआ है तो मिट्टी के एडवांटेज हमारे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर जितने भी फाइबर्स हैं उनको ज़्यादा ग्रो होने में ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर हम मिट्टी के इसके अंदर भिगोते हैं तो। और हमारी नेचुरल चीज़ है ये। ठीक है, वैसी नहीं है कि भाई हम स्टील वगैरह के उसके अंदर भिगो रहे हैं, तो वो नेचुरल चीज़ नहीं बल्कि हमारी नेचुरल चीज़ है। अब बात आते हैं, अब हमने दोनों चीज़ों को आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करा दिया है। पहली चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने फास्ट फूड, और दूसरी चीज़ हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं अपनी हेल्थी डाइट। ठीक है जी, तो वो फास्ट फूड अब दो तरीके की होती है गेनिंग, एक हमने पहली वीडियो बनाई थी, दो तरीके की गेनिंग होती है, एक गेनिंग होती है इन चीज़ों की। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, ये कोई गेनिंग नहीं है, मोमोज गेनिंग, इसको मोमोज गेनिंग नहीं, ये पता है। अब क्या होता है, चलो ठीक है हमने गेनिंग कर भी ली, अब मैं दूर से आ रहा हूँ और मैं दिख रहा हूँ, इतना तो मेरा चर्बी है पेट के ऊपर, वो जो मेरे गाल हैं वो इतने मोटे मोटे हो रहे हैं। ठीक है, उसको आप गेनिंग कहेंगे या फिर ओवरडोज कहेंगे। गेनिंग भाई, कई भाई क्या समझते हैं गेनिंग को, कि भाई ये 18 इंच के बाइसेप्स हो जाए, चाहे उसमें कटिंग ना हो, अब यही तो बात है ना, दिख नहीं रहे, ट्राइसेप्स दिख नहीं रहे, कि बस हाँ 18 इंच के हो जाए, वो गधा बन के जो रहने वाली चीजें हैं। अब देखो चीज क्या है, अगर आप एक हेल्थी डाइट के साथ, अगर आपके आर्म्स का साइज 14 भी है ना, तो अगर एक का आर्म्स का साइज 18 या 20 है, तो आपके जो 14 के हैं वो उससे कहीं ना कहीं बेहतर दिख रहे हैं, कहीं से कहीं अच्छे दिख रहे हैं, क्वालिटी आ रही है, डेफिनेशन आ रही है आपकी उस मसल्स के अंदर। और जो एक 20 का या 18 का है, जो ओवर खा रहा है कुछ भी, जलेबी, फास्ट फूड वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, सब चीज़ें खा के अपना गेनिंग कर रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरा चीज़, अब ये तो चीज़ हो गई हमारी हेल्थ को लेके, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपके हेल्थ के साथ साथ बॉडी के साथ साथ मेंटली भी फिट रहेंगे, है ना जी। अब काफ़ी भाई मैं देखता हूँ, अब आप जंक फूड खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, कहीं आप तंबाकू यूज कर रहे हो, या फिर तो ये हमारी छोटी उम्र में भी ये हुक्के का बहुत वो क्रेज चल रहा है, मैं देख रहा हूँ सभी चीजों को लेके, तो कहीं ना कहीं आप इतना पैसा तो वहाँ पे भी स्पेंड कर रहे हो, और फिर हमें आप जिम वालों को आप क्या बोल देते हो कि डब्बे खाते हैं, डब्बे खाते हैं, वो हाँ। वो डब्बे खराब है, जो तुम ये इतना इन्वेस्ट इन चीज़ों पे कर रहे हो वो खराब है ना। आप सिगरेट भी पी रहे हो, तम्बाकू भी आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, आप दारू भी पी रहे हो या फिर आप हुक्का वगैरह जो भी पी रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो ही रही हो उसके अंदर, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उस पैसे को उस टाइम को इसके अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते आप लोग, ऊपर से बॉडी खराब हो रही है ना, बॉडी खराब हो रही है, तो सप्लीमेंट का नाम लेके तो आप खराब कर दोगे कि सप्लीमेंट खा लिया उसका लीवर फलाना ढिमकाना, चाहे वो पहले से डैमेज हो रहा है उसका, वो चीज़ें खा के तंबाकू वगैरह खा के पहले लीवर डैमेज हो रहा हो, बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट खा रहा तब डैमेज हो गए।
ज्यादा इसलिए खराब है। ठीक है, तो ऐसा मिथ ना फैलाएं आप लोग। ये तो भाई हमारे गांव वगैरह में सबसे बड़ा मिथ है, ये तो गांव के अंदर काफी ज्यादा है, क्योंकि शहरों में ना लोग थोड़े एजुकेटेड हो गए हैं। अच्छी बॉडी देखी नहीं कि हाँ डब्बे खाए भाई, बस मैं खा लूं डब्बे खा के मैं बना दूं। तो गांव के अंदर बंदे इतने एजुकेटेड नहीं है, जो नया यूथ है वो तो बस ये करते हैं कि हाँ या तो डब्बे खा के बॉडी बन जाएगी या डब्बे खा के आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। वो ये डब्बे बोल के आदमी की मेहनत को छुपा देते हैं, मेहनत को छुपा देते हैं। और कई क्या कहते हैं कि किस्मत, किस्मत का भी खेल होता है ना। 6-7-8 मेहनत, 6-7 साल अच्छी तगड़ी मेहनत करो, अपनी डाइट फॉलो करो, टाइम दो, और उसके बाद कह देते भाई इसकी किस्मत अच्छी है इसलिए आज ये सक्सेस हो गया। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो बीच बीच में मोटिवेशन भी जरूरी है। जो देखो मेन चीज है एक सही नॉलेज आप लोगों तक पहुंचना, वीडियो कितना लंबा जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो चीजें नहीं है। मेन चीज है सही नॉलेज आप लोगों तक पहुंचना। तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई है। अब बात करते हैं, हमने दोनों चीजों की कर ली है कि अगर इसको आप खाएंगे तो आपकी गेनिंग कैसी होने वाली है और इसको आप खाएंगे तो आपकी गेनिंग कैसी होने वाली है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट है, ठीक है जी, प्रोटीन का कोई रिसोर्स इसके अंदर है नहीं, फैट सिर्फ ऑयल, और वो भी फैट जो बैड फैट है, गुड फैट नहीं है। अब इसके अंदर हमारी सारी चीजें हैं। एग्स आप खाएंगे, ठीक है, अगर आप होल एग्स खा रहे हैं तो प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, फाइबर्स भी है, तीनों चीजें। उसके बाद आप नट्स खा रहे हैं, इसके अंदर हमारे सारे नट्स है, आप देखेंगे तो हम इसके अंदर भिगोए हुए, तो नट्स भी अगर आप खा रहे हैं तो अगेन इसके अंदर आपके फाइबर्स हैं, प्रोटीन है, कार्ब्स है, ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। आप बनाना खा रहे हैं, बनाना के अंदर भी आपका कार्ब्स का और प्रोटीन का काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। तो इस साइड हमारी हेल्थी डाइट और इस साइड हमारे फास्ट फूड। अब मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को फास्ट फूड नहीं खाना है, आप लोग खाएं, चीट करें, मंथ में एक दो बार आप चीट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हाँ भाई मेरा मन कर रहा है खाने का तो आप एक दो बार चीट कर सकते हैं, लेकिन चीट का मतलब ये नहीं है आप रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, ठीक है जी। उस दुकान के बाहर ना उस बंदे को देख लिया करो आप जो वहाँ पे बना रहा है, वो चाहे बाप को बना के खराब चीजें खा रहा हो लेकिन वो खुद नहीं खाता होगा उसको, ठीक है, वो अंदर से इतना भर जाता है उन चीजों को देख देख के कि उसका मन नहीं करता खाने का और आपको खिला रहा है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा चीजों को लेके सतर्क रहें। और अभी हम इस चीज के अंदर, क्योंकि वेट गेन की हमने वीडियो पहले डाली है तो उस वीडियो को आप जरूर चेक करें, मैंने और मैंग ने दोनों अपनी चीजें वहाँ पे डिस्कस की है। अभी हम बात करते हैं वेट लूज की। ये चीजें भाई सिर्फ एक बार खाओगे तभी अच्छी लगेगी, बाकी ये बहुत नुकसान करने वाले आपके बॉडी को, ठीक है, और ये नुकसान आपको एक बार में नहीं दिखेगा, ये धीरे धीरे दिखेगा, आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। फिर आप किसी कोच के पास जाओगे उसके पास कहोगे मुझे मेडिसिन दे दो, मुझे सप्लीमेंट दे दो, मुझे वेट अपना लूज करना है, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, फिर कोच आपसे पैसे तो लेगा ही भाई, उसने मेहनत किया वो पैसे लेगा, लेकिन आज ऐसे कोच के पास भी ना जाए जिसको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, जिसने कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किया, एक दो दिन जिम मारी और कोच बन के बैठा है, तो ऐसे कोचेज के पास भी ना जाए, उन्हीं के पास जाए जिनको एक प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा वेट गेन का, और हमने चीजों के बारे में बताया क्या चीज आपके लिए सही है और क्या चीज आपके लिए गलत है। तो अभी हम आपको बताते हैं वेट लूज का। वेट लूज का मैं थोड़ी थोड़ी चीजें इसके अंदर डिस्कस करूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि क्या आपका डाइट प्लान रहेगा वेट लूज का और कैसे आप अपनी मस्कुलर गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वेट लूज में सबसे मेन चीज आपको फैट कम करना है, बंद नहीं करना है, अगेन कम करना है। काफी भाई क्या करते हैं, रोटी बंद कर देते हैं, चिकना जो भी होता है बंद कर देते हैं, सारी चीजें वो आपको बंद नहीं करनी है, कम करनी है, ठीक है। प्रोटीन लेवल आपको बढ़ाना है, ठीक है। कार्ब्स आपकी कम रहेगी, मतलब ज्यादा नहीं रखनी, कम रखनी है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बने रहे, और फाइबर्स आपके अच्छे रहेंगे। फाइबर्स में आप फ्रूट यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, सैलेड्स, दोनों चीजें, ठीक है जी। उसके बाद ये होगी हमारी तीनों चीजें जिसके अंदर हमारा प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स और गुड फैट, चारों चीजें इसके अंदर हमारी कवर हो गई है। तो ये चीजें आपको करनी है इसके अंदर। अब जो मील है, प्रॉपर मील, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे क्या क्या चीजें आपको खानी है, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आज का जो मकसद था वो था आप लोगों को एक सही मैसेज देना, ठीक है, अकॉर्डिंग योर डाइट और आपकी डाइट को लेके। तो उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा होगा, और आप लोग भी इन सब चीज़ों को फॉलो करें और प्लीज़ अवॉइड करें फास्ट फूड को, गलत चीज़ों को, क्योंकि गलत गलत है, आज नहीं तो कल वो आपको रिजल्ट दिखेगा आपकी बॉडी के अंदर, आपके समाज के अंदर। काम ऐसा करें कि आपकी सोसाइटी को, आपके समाज को उस काम से फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचा होगा, और सभी नई अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। भाई क्या है, भाई का विपिन यादव ऑफिशियल, और मेरा है मैंक यादव 001, और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है अंडर 18 फिटनेस, तो वहाँ पे भी आप लोग जाएं और जरूर चेक करें, और सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। ये सब बना खाएं, ये सब खाने आपको, ठीक है जी। क्या नहीं खाने हैं, आपको ये ब्रेड खानी है तली हुई, ठीक है, इसको तलते हुए अगर देखते हैं तो ही मन भर जाता है, एक बार इसको बनते हुए देखते हैं ना तो ही मन भर जाता है। उसके बाद बर्गर है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे है कोल्ड ड्रिंक्स, तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। अभी देखते हैं इनको घर वाले खाएंगे, हम खाएंगे, है ना, मैं तो खाऊंगा नहीं चलो जी, ठीक है, बूम बूम।